नमस्कार, आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब भी जारी है। पहले 31 जनवरी धान खरीदी का अंतिम तिथि थी, लेकिन भूपेश सरकार ने एक सप्ताह बढ़ाकर उसे 7 फरवरी कर दिया। अब सिर्फ धान खरीदी में 2 दिन शेष हैं। एक ओर भूपेश सरकार कह रही है कि वह धान खरीदी का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि रजिस्टर्ड किसानों का एक एक दाना सरकार धान खरीदी करे। अभी 7 से 8 लाख किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं और समय भी कम है। एक रिपोर्ट देखिए। राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल की धान खरीदी का रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है। 21 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा है। जिन किसानों को टोकन जारी कर दिया गया है, उनसे बचे हुए 2 दिन में धान खरीदी जाएगी, इसलिए अब और समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी रिकॉर्ड हुआ है और अब तक करके जितने भी रिकॉर्ड थे, हम अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में 15 साल में कभी 70 से आसपास से ऊपर नहीं गए। हमारा ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन से था, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 92 लाख मीट्रिक टन, इन साल सैकड़ा। तो एक तरह से एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के दिन फिर गए और सब लोग खुश हैं, किसान त्यौहार मना रहे हैं। धान खरीदी लगभग अंतिम स्थिति में है, सभी लोग अपना धान बेच चुके हैं। 21,70,000 के लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं। अब बचे ही नहीं, जो लोग थोड़ा बहुत बचे हैं, उन लोगों का जो अभी शेष तिथि है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इधर खाद्य मंत्री के बयान को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अब भी बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड किसान हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं। सभी किसानों से धान खरीदना सरकार की जवाबदारी है। अगर सरकार धान खरीदी से भाग रही है तो यह है गरीब किसानों के साथ बेईमानी। अब देखिए, अभी भी जो रजिस्टर्ड किसान हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, उनमें भी आज बड़ी संख्या में करीब करीब 8-10 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक धान नहीं बेच पाए। मांग इस बात के लिए हम लोगों ने नहीं किया था कि 2 दिन बढ़ाओ और 10 दिन बढ़ाओ या 15 दिन बढ़ाओ। मांग यह था कि जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उनके 70% धान की खरीदी हो। ये सरकार की जवाबदारी है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, सरकार को धान को पूरी की पूरी खरीदी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि भाग रहे हैं तो ये किसानों के साथ बेईमानी होगी। तो धान खरीदी को लेकर के संग्राम मचा हुआ है, जहां एक तरफ सरकार कह रही है छत्तीसगढ़ की कि अब धान खरीदी लगभग पूर्ण हो चुकी है, और दूसरी ओर जो बीजेपी है विपक्ष में, वो कह रही है कि अभी 7 से 8 लाख किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ नितिन भंसाली, जो कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही युधिष्ठिर चंद्राकर, जो उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी से। सवाल ये है कि बीजेपी ने साफ साफ ये कहा है कि अभी 7 से 8 लाख किसान और हैं जिन्हें धान की जिनकी धान की खरीदी अभी बाकी है, फिर सरकार ये कैसे मान रही है कि सभी धान खरीदे जा चुके हैं, सभी किसानों के धान खरीदे जा चुके हैं? जी, बाइक सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे 8 से 10 लाख किसान धान बेचने से बचे हैं, और उसी चीज को आप भी रिपीट कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं
कि पहले तो ये बताइए कि पंजीयन कितने किसानों का हुआ था। लगभग 23 लाख किसानों का, 23 लाख कुछ हजार किसान थे उनका पंजीयन हुआ था, उसमें से 21 लाख 80 हजार किसानों ने लगभग धान बेच दिया। लगभग आप मान के चलिए पहले वर्ष अपने 84 लाख मेट्रिक टन की खरीदी की, दूसरे वर्ष 92 लाख मेट्रिक टन की खरीदी की, और इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा था 1.5 करोड़ मेट्रिक टन का, और 2 दिन शेष बचे भी हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 21 लाख 80 हजार किसानों ने अभी तक से धान बेचा है, तो रजिस्टर्ड किसान जो है वो 50 से 60 हजार किसान और होंगे, उसमें से जो बचे होंगे वो भी आ जाएगा। कुछ किसान जो है वो धान नहीं बेचना चाहते, या कुछ किसानों ने मंडियों में या कहीं और धान बेच दिया होगा। और लेकिन सरकार के पास यदि कहें न पैसों की कमी है, न बारदाने की कमी है, न व्यवस्था की कमी है। मैं आपको बता दूं कि धान खरीदी में 98 लाख मेट्रिक टन के आसपास की धान की खरीदी हो चुकी है, जो कि हमारे टारगेट के बिल्कुल हम समीप है, और मुझे लग रहा है 2 दिन में ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा। इस धान में से 58 लाख 8 हजार मेट्रिक टन धान राइस मिलरों ने कस्टम मिलिंग के लिए भी उठा लिया है। तो इतनी तेजी से जब प्रदेश में काम हो रहा है, बीजेपी इसमें भी झूठ बोल रही है, झूठ से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करेगी। 8 से 10 लाख किसान बाकी, इन्होंने तो किया क्या था इनके समय में 15 सालों का यदि हम औसत निकालते हैं तो लगभग 45 हजार से 46 हजार मेट्रिक टन धान की खरीदी इनके शासनकाल में होती थी, जो कि पहले वर्ष जैसा कि मैंने बताया बढ़कर 84 लाख हुई, फिर 92 लाख हुई, और इस वर्ष जो है 1 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास की धान की खरीदी हो रही है। किसान खुश है, किसान कहीं पे भी यहाँ पर व्यथित नहीं है, किसान उत्सव मनाया जा रहा है, और प्रदेश में देखिए खुशहाली है, मार्केट जो है वो किसानों की वजह से ही मालामाल है। जैसा कि त्योहारों के समय भी ये चीज देखेंगे, जीएसटी कलेक्शन में भी 36वें टॉप 5 राज्यों में आता है, वो इसलिए आता है कि कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर खेती किसानी अच्छी होती है, किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिलता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से फ्लो होकर मार्केट में आता है। ये एक उदाहरण है जी। ठीक है, हम आपके पास आएंगे नितिन जी। जी चंद्राकर जी, अभी आपने सुना कि नितिन जी ने कहा कि जो पंजीकृत किसान थे, जो पंजीकरण जिनका धान खरीदी के लिए कराया गया था, वो किसान लमसम लगभग उनके धानों की खरीदी की जा चुकी है, और जो शेष बचे हैं 2 दिन में कर ली जाएगी। जी क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी कभी भी हो किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहा है, और उनकी कांग्रेस की जो मंशा है इसको पहले से ही भाप लेते हैं, और हम लोग इसी चीज को लेके पूरा छत्तीसगढ़ के सोसाइटियों में हम लोग धरना आंदोलन किए कि कम से कम 1 हफ्ते का समय और बढ़ा, कारण कि ये प्रकृति की मार ऐसी हुई है कि आपको बताऊं मैं कि किसानों का जो कन्हार मिट्टी होता है, कन्हार खेत होता है छत्तीसगढ़ का जी, तो कन्हार में पानी जो ऐसे भरा हुआ है, जो पानी गिरी हुई है अभी लगातार, तो वो उस पानी का निकासी नहीं हुआ है, तो धान कटाई नहीं हो पाई है। मजदूर कैसे कैसे किसान वहां पे कैसे, यानी अपने धान तो निकाले हैं उसको वो जानते हैं, उसको सुखा रहे हैं, अभी निसाई नहीं हो पाई है अभी तक, और ये कहते हैं कि मेरे यानी किसान खुश है, रैली बना रहे। अरे किसान दिल्ली से आने वाले किसान नहीं है, वो दिल्ली से जो कलाए थे ना वो नहीं है किसान, छत्तीसगढ़ के किसान जो राजधानी में बैठे हैं उन लोग को देखिए नितिन जी, है ना, आप छत्तीसगढ़ के किसानों को देखिए, ठीक है, नितिन जी हम आपके पास आ रहे हैं, नितिन जी वस्तु हम आपके पास आ रहे हैं सर, सर नितिन जी हम आपके पास आ रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए सर, माफ कीजिएगा नितिन जी, माफ कीजिएगा प्लीज सुन लीजिए, पहले आपके पास हम आ रहे हैं, आप ही के पास आए, धान खरीदी किसानों का आप पंजीयन कराए उतने को धान को तो खरीदो आप, आज समय कुछ समाप्त कर रहे हैं, इसमें समय समाप्त हो वाली क्या बात है, किसानों का धान खरीदने में आप क्यों हवा हो रही है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, कंप्लीट कीजिए, ठीक है जवाब ले लेते हैं, आप इस चीज को कहेंगे नहीं, चंद्राकर जी जवाब ले लेते हैं, नितिन जी जवाब दीजिए जी, सीधा सिर पैर की बात तो इनके ही नेता ने डिबेट से पहले ही कर दी, मुझे तो ये डिबेट कम और कॉमेडी शो ज्यादा नजर आ रहा है।
आप देखिए 8-10 लाख किसान खुद मुक्ति मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पंजीकृत किसान लगभग 23 लाख कुछ किसान है, और ये कहते हैं और मैंने जैसा आंकड़ा बताया कि 21 लाख 80 हजार किसानों को दान भी नहीं दिया, फिर 8-10 लाख किसान बचे कहां से? तो झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, झूठा। और ये कहते हैं कि ये दिल्ली के किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसान है। भाई तो मुझे लगता है सर से कब से आपने भी लपेटा है किसान है, ये भाजपा के सारे लोगों ने 2500 रुपए में जिसके पास खेती बाड़ी है इन्होंने धान खींचा है, सरकार की योजनाओं का राजीव गांधी किसान योजना के तहत जो राशि दी जा रही है उसका भी लाभ लिया है, सारे लाभ ले रहे हैं, और बैठ कर ये बोलते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है। अब किसी ने यदि यहाँ पे धान भेज दिया होगा उसने खुद अपने उपयोग के लिए रखा होगा, पर हमने हमारे टारगेट पे कहीं कोई कमी नहीं की है। 2 दिन और शेष हैं, जो टोकन कटेंगे उन टोकनों के माध्यम से भी आगे जो 3-4 दिन जिनके धान बन गए होंगे वो टोकन कटने के बाद उनके भी धान लिए जाएंगे। तो बस पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं कि हम हमारे टारगेट को अचीव करेंगे, हमने जो कहा वो किया। इनको तो खुद का घर देखना चाहिए कि खुद ने क्या किया। 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, सारा जुमला साबित हुआ। और जैसा कि आप देखिए कि चुनाव से पहले ही किसान ने मन बना लिया था कि सरकार को जड़ से उखाड़ना है, 2018 का ये जीता जागता उदाहरण है। आज प्रदेश का किसान जो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो खुद किसान पुत्र है, किसानों की समस्या को समझते हैं। एक चीज और कह रहे थे कि किसान धान जो है कानून पड़ा है, तो ये बताएं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सी पंचायत, कौन सी पानी पड़ा है, तो ऐसी जानकारी पूरी लेकर बैठना चाहिए। नेताजी नहीं कभी थी कि सब पानी भरा हुआ है, मुझे तो कहीं कोई सूचना नहीं कि अभी धान कहीं गए खेतों में कहीं पानी भरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीजें व्यवस्थित है, और मैंने जैसा कि कहा कि प्रदेश का किसान किसान उसको मना रहा है, मजे में है, खुश। ठीक है सर, ठीक है जी। चंद्राकर जी, हाँ मना रहे जी। चंद्राकर जी, अब तो वही पूछ जी, जवाब दीजिए। अब वही तो वही चीज पूछ रहे हैं हम आपको, कहाँ मना रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है बताइए ना, हम लोग भी चले जाएंगे। हम लोग कोई भाजपा वाले हैं, कोई ये नहीं है, हम किसान है सबसे पहले। कहाँ पे उत्साह मना रहे हैं ये बताइए। दोनों मेहमानों से निवेदन है जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए जी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। हमारे दर्शक आप दोनों को पूरा सुन नहीं पाएंगे सर, हमारे दर्शक आप दोनों को पूरा सुन नहीं पाएंगे, एक एक करके बात कीजिए ना सर। ठीक है, पहले चंद्राकर जी अपनी बात पूरी कर लें जी, उनको पूरा मौका दीजिए। नितिन जी जी जी, चंद्राकर जी जी, जारी रखिए। किसानों का धान खरीदने में हवा क्यों हो रही है कांग्रेस? हमारी बिल्कुल हवा नहीं हो रही है, रुपयों की समस्या है, आधार कार्ड की समस्या है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। रकबा कटौती करके आप उसको अलग शोषण किए, उसके बाद में अभी आप समय को बेसमय, एक तो ज्ञान है 2 महीने 1 महीने बाद में आपने धान खरीदी शुरू किया, और उसके बाद में समय यहाँ पे देने के लिए आप ढीला हवाला कर रहे हैं। आपको किसानों के प्रति क्या चिंता है ये बताइए। किसानों की ही चिंता, एकमात्र एक गांधी के सेवा के लिए आप धान लग रहे हैं, उसी को किसानों के लिए थोड़ा सा राम कर देते हैं। वो किसान बेचारे राजधानी में जाके बैठे हैं, उसकी लाठी ऐसा ना करे, चंद्राकर जी हो गया आपका जी, चंद्राकर जी हो गया। 2018 में आपको 2018 में एक बार झूठ बोले हो, इसका परिणाम है कि आपको पूर्ण बहुमत दिया है। वादा में आप जाओ चंद्राकर जी, सार्थक बातें हो जी। चंद्राकर जी आप वरिष्ठ नेता हैं जी, चंद्राकर जी आप वरिष्ठ नेता हैं, नितिन जी आप भी वरिष्ठ नेता हैं, सार्थक बातें हो। चंद्राकर जी ठीक है, आपका हो गया। नितिन जी जी जी, जवाब दीजिए। बार बार घूम फिर कर नया रायपुर के किसानों को आ रहे हैं, हम तो पूरे प्रदेश के किसानों की बात कर रहे हो, नया रायपुर के किसान भी हमारे हैं। चंद्राकर जी आप पहले पूरा सुन तो लीजिए सर, सर इस तरह से कैसे हो पाएगा आप बताइए
जी तो उन किसानों से, नया रायपुर में जो धरना दे रहे हैं उन किसानों से जो आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों से मंत्रिमंडल की हमारी समिति की बैठक हो चुकी है, सकारात्मक और हम समाधान की ओर अग्रसर है। अब ये समस्या आई क्यों, ये इसकी देन है, ये उसी समय यदि सारी चीजों का निराकरण कर लेते तो आज ये धरने पर नहीं बैठते। हमारे द्वारा उत्पन्न की कोई चीज तो है नहीं, है ये उत्पन्न इन्हीं के द्वारा की गई समस्या है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और मैं बता दूं हम बहुत ही नजदीक है समस्या के समाधान की और हम अग्रसर हैं और बहुत जल्दी समस्या का बिना एक दो दिनों में पटाक्षेप भी हो जाएगा, ऐसी मेरे को जानकारी है। अब ये घूम फिर कर आ रहे हैं कि धान चोरी खरीदे, मैं बता दूं न रुपयों की कमी है, न वारदानों की कमी है, न खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की कमी है, न स्टोरेज की कमी है। राइस मिलर ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि के लिए उठा चुके हैं, अब किसान आए धान बेचे, आज भी दो दिन और बचे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि टोकन कटने के बाद भी तीन दिन चार दिन का जो समय रहता है, यदि कोई किसान छूट जाएंगे तो धान की खरीदी होगी। ये डिबेट मुझे ऐसा लगता है 7 फरवरी के बाद होती तो शायद और बेहतर जवाब मैं दे पाता, क्योंकि 7 तारीख तक का समय प्रदेश सरकार ने किसानों को दिया, एक हफ्ता बढ़ाया, और एक हफ्ता बढ़ाने के बाद भी देखिए हम हमारे टारगेट को बिल्कुल अचीव कर रहे हैं। अब इनके पेट में दर्द 7 फरवरी, एक हफ्ता नहीं पड़ा है सर, आज 5 फरवरी है, 2 दिन बाद जी। ठीक है चंद्राकर जी, अब जवाब दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी चंद्र, ठीक है बंसाली जी, बहुत अच्छे सुझाव जी। मैं ये कहता हूँ बंसाली जी, आप अपने नेताओं से, अपने मतलब जो नेता है जो धान खरीदी के लिए जो लोग जो बनाए हैं समय निश्चित किए है, क्या ये समय को हटा के किसानों का जितना है उतना धान खरीदी कर लेंगे ना? 7 तारीख को हमने समय एक हफ्ता और मंगा है, उसका कारण ही वही है कि किसानों का सभी धान खरीदी हो। हमको कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है, हम किसानों का ही चाह रहे हैं भाई, किसानों का माल अभी बचा हुआ है, युधिष्ठिर जी तो आ जाएगा हम तैयार हैं। नितिन जी, चंद्राकर जी का कहना है, कि जिन किसानों के खेत में अभी पानी लगा हुआ है वो अपने धान को अभी सुखा रहे हैं, अगर वो भी अपना धान बेचना चाहते हैं तो उनको एक हफ्ते का और समय मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसा बिल्कुल तो, नहीं है, सरकार बारिश के बाद इन सारी चीजों का आकलन कलेक्टरों के माध्यम से करवा चुकी है। अब फिर भी यदि ये बोलते हैं कि कहीं पर किसी खेत में पानी भरा है तो ये मुझे बता दें कौन सा जिला है, कौन सी तहसील और कौन सा गांव है, किस जगह पर ये खेत है जहां पर पानी भरा है। सर आपका मौका आएगा तो आप बताइएगा ना सर, नितिन जी को पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। चंद्राकर जी आप अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए जी। अरे किसान नेता है भाई, किसान नेता है, मैं तो फिर प्रश्न करूंगा, मेरे तरफ से इनसे प्रश्न करिए कितना धान मिलेगा, भुगतान मिल गया ना, मिल गया ना, सबको मिला है, रमन सिंह जी को भी मिला है, अभिषेक सिंह जी को भी मिला है, शिवरतन शर्मा जी को भी मिला है, सारे नेताओं की सूची है हमारे पास, सारा लाभ भी ले रहे हैं पेपर में, बिल्कुल खाता वही है और सबकी खाता वही है, पूरी कुंडली है, चिंता मत करिए। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का है, हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री का है, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, धान नहीं बचा है, बचा है तो 2 दिन है, मोस्ट वेलकम, आमंत्रित है किसान, और ऐसा कि ये बता रहे हैं कि खेतों में पानी भरा है तो ये ऐसे ना बताएंगे, जानकारी दें कि कौन सा जिला है तो तत्काल हम उस जिले के कलेक्टर को बोलते हैं। जी चंद्राकर जी नितिन जी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा जिला है तो उसकी जानकारी दें जहां के किसानों के खेतों में पानी भरा है, सरकार जरूर मदद करेगी, उनकी धान की खरीदी करेगी। जी बताइए क्या कहना है आपका। नितिन जी के को, नितिन जी रायपुर जिला के ही अबनपुर विधानसभा क्षेत्र के आरंगला के जो गांव है पूरा कन्हार मिट्टी का गांव, वहां पे पानी, मैं आपको बता रहा हूँ वस्तुस्थिति, बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ रायपुर जिला कलेक्टर से मिले
सुन लीजिए सर, लिस्ट दे रहे हैं ना सर। नितिन जी आप धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, बता लेने दीजिए जी। चंद्राकर जी बहाव का जगह नहीं है वहाँ पे, पूरा पानी जाम हो गया है जी, और उसमें उसमें पूरा का पूरा धान पड़ा हुआ जी। डुबान जैसे ये होता है ना, डुबान के उस टाइप का हो जाता है। अरे आप सुनने को तैयार नहीं हो जी, कारण कि आपको करना नहीं है, कर तो सकते नहीं, तो कहां से आप ये करेंगे? आप इधर नान मुकुर करते हो, इधर मीठी मीठी बात करते हो, वैसे मीठी मीठी बात करके पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों को ऐसे ही आप धोखा में रख लिए। नहीं सर, आप लिस्ट बना रहे थे ना, एक ब्लॉक का आपने नाम बता दिया, और भी तमाम जगह होंगे, बता दीजिए जी। नहीं, कई जगह की बात है, मैं जो मेरा विधानसभा है मैं उसकी बता रहा जी। मेरे विधानसभा में 10-12 नाम ऐसा पीड़ित है जहाँ पे अभी यानी पूरा का पूरा स्थिति है, वही स्थिति आपका गरियाबंद तरफ है, जसपुर में है जी, जसपुर जिला में भी स्थिति वही खराब। ठीक है, ठीक है नितिन जी, जो इन्होंने समस्याएं बताई हैं किसानों की, उसको आपने गौर से सुना है जी, क्या कहेंगे आप? बिना सिर पैर की समस्याएं बताई है, कोई इसमें ठोस कहीं पे भी कोई बात नहीं नजर आती, और यदि है तो ये अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उपाध्यक्ष बोलिए, पूरी रिपोर्ट पूरी बनाए, पूरी जानकारी के साथ कलेक्टर रायपुर से मिले, मैं खुद पास चलूंगा इनके, चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं खुद पास चलूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी चंद्राकर जी, इससे किसानों की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, और नितिन भंसाली जी खुद आपके साथ जाने के लिए कह रहे हैं, तैयार हैं इन समस्या का समाधान करने के लिए, तो आपको भी दो कदम आगे बढ़ना चाहिए सर। हमारे पास समय की कमी है और हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। चंद्राकर जी आपसे निवेदन है कि आप पूरा वो लिस्ट बना लें, जो जो पीड़ित हैं किसान, जिनके जिनके जो खेत हैं उनमें पानी लगा हुआ है, और आप नितिन जी को भेज दें, नितिन जी के साथ चले जाएं और उनके समस्या का समाधान कराएं। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पर समस्या समाधान होना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप दोनों आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बातचीत हुई। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, युधिष्ठिर चंद्राकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कुछ किसान हैं, अभी जो किसान नेता हमारे साथ बीजेपी से बैठे थे, वो किसान मोर्चा के, वो बता रहे हैं कि कुछ किसान अभी और हैं जिनकी धान खरीदी बाकी है और उनकी भी धान खरीदी होनी चाहिए। हालांकि जो सरकार की तरफ से यानी कांग्रेस नेता जो हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अगर ऐसे कोई किसान हैं जिनकी धान खरीदी बाकी है या फिर कोई समस्याएं हैं, उनकी लिस्ट लेकर के आइए और हम उन किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के किसानों का समस्या का समाधान हो, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आमना सामना में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।